Boyle's law explain करता है relationship between the volume and pressure of a given quantity of a gas by keeping temperature as a constant. अब देखते हैं कि graphically हम इस relationship को किस तरीके से explain कर सकते हैं. Here we have an animation जो कि clearly depict करती है Boyle's law को. Pressure increase करने से gas का एक system है, उस पर pressure increase करने से volume decrease होता है. अब अगर हम pressure and volume की different values लें, यानी कि प्रेशर 2 atm, 4 atm, 6 atm जितना भी अप्लाई किया और उसके जरिए असर जितनी भी वॉल्यूम में तब्दीली आई उसको नोट किया जाए और उसका एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का ग्राफ ऑप्टेन होता है. इस एनिमेशन में आपको साइड पे दिखाया गया है कि एक ग्राफ, एक कर्व सी आ रही है, जबकि जब हमने ग्राफ पे प्रेशर को एक्स एक्सिस पर और वॉल्यूम को वाई एक्सिस पर लिया. ये कर्व, इसको आइसोथर्म बोलते हैं. आइसो का मीन है सेम एंड थर्म का मतलब है टेम्परेचर. ये एक्चुअली डिस्क्राइब करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, इसलिए हमें कॉन्टिन्यूसली एक डिक्रीजिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है. ये क्लियर डिफेक्शन है. ये सिंपल स्टेटमेंट जो बॉयल्स लॉ का है उसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन है. अगर मैं कहूं कि ये कर्व ऑब्टेन हुई व्हेन आई टुक द टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट, लेकिन अगर इसी सिस्टम की कोई भी जो गैस है उसकी गिवन क्वांटिटी का जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए और दोबारा से प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप को मैं इवेलुएट करूं और एक ग्राफ प्लॉट करूं, तो जो कर्व ऑब्टेन होगी दैट विल मूव अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस. कुछ इस तरह की कर्व ऑब्टेन होगी. लेट्स से जो हमारी फर्स्ट कर्व थी at that temperature was 0 degree centigrade and for the second one temperature is 25 degree centigrade. 25 degree centigrade पर जो हमारे पास एक given quantity of gas है उसके molecules की kinetic energy में इजाफा हो रहा है temperature increase करने की वजह से, और वो जो molecules हैं वो ज्यादा volume occupy करेंगे. अब चूंकि initially जो conditions हैं उसमें volume temperature की वजह से increase कर गया है, इसीलिए जब प्रेशर की वैल्यूज चेंज की जाएंगी तो जो रिजल्ट होंगे वो पहले से थोड़े से डिफरेंट होंगे और ये कर्व जो है वो प्रेशर एक्सिस से थोड़ा अवे चली गई है, ऊपर की तरफ बनी है. नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर एक सेकेंड ग्राफ है और इस ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस पर है 1/v इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और एक्स और वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्रेशर को. ये हमें स्ट्रेट लाइन देता है और स्ट्रेट लाइन इज एन इंडिकेशन ऑफ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशनशिप. ये बताता है कि प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यहां पे देखें तो ये जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन हमने ऑब्टेन की दैट मीट्स एट ओरिजिन. ये उसका ओरिजिन है और इस ओरिजिन पे प्रेशर की वैल्यू जीरो है. मीन्स जब प्रेशर जीरो है तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज ऑल्सो जीरो. इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का क्या मतलब है? 1/∞ इज इक्वल टू 0, यू हैव हर्ड अबाउट इट. यानी कि वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि उसका इनवर्स 0 है और इसी वजह से जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है वो सजेस्ट करता है कि एट 0 प्रेशर इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज ऑल्सो 0 और द वॉल्यूम इज सो हाई दैट एट दैट पर्टिक्यूलर इन्फिनिट वॉल्यूम ऑफ गैस द प्रेशर बिकम्स 0. एक और ग्राफ है हमारे पास जिसमें प्रेशर को एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर पीवी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को लिया गया. ये हमें स्ट्रेट लाइन देता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ये जो लाइन हमें ऑब्टेन हुई है यहां पर, दिस सजेस्ट कि नो मैटर हमारे पास एक सिस्टम है गैस का और उस पर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, बट द प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है, इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम रहती है. इसी तरह का हमने एक डिटर्मिनेशन किया था जब हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बॉयल्स लॉ की, और ये वही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को अगर आप माइंड में रखें कि किस तरह से प्रेशर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ और एडजस्ट होकर सिस्टम का जो प्रोडक्ट था वो सेम रहा इन एवरी केस, तो उस डेटा को अगर प्लॉट करें तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा दैट वुड बी लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस.
ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली इट हेल्प्स अस प्रेडिक्ट द आइडियल बिहेवियर. हम कहते हैं कि बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेज. जो आइडियल जो गैस लॉज हैं, इट मेक्स हमारे पास एक लाइन सेट कर देते हैं, हमें एक बता देते हैं कि व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ अ गैस, मतलब आइडियल बिहेवियर हमें बताते हैं. तो हम इसे जज करते हैं दैट जो हमारे पास रियल गैसेज हैं या नॉन आइडियल गैसेज हैं, वो किस कितना जो है हमारे कॉम्प्लाई करती हैं आइडियलिटी के क्राइटेरिया से. तो ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन हुई है एक्स एक्सिस के, दिस हेल्प्स अस प्रेडिक्ट द आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस. ये इस कर्व की स्पेशियलिटी है और इसकी सिग्निफिकेंस जब हम आगे आइडियलिटी या नॉन आइडियलिटी का क्राइटेरिया पढ़ेंगे उसमें इट विल हेल्प यू आउट. बट रिमेंबर कि कुछ भी प्रेशर के चेंजेस हों, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, मतलब इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग प्रेशर विल चेंज द वॉल्यूम अकॉर्डिंगली कि उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा. दिस वॉज ऑल्सो अ सेकेंड डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ.